उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात भले ही करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन दबंग ठाकुरों का कहर दलितों पर जमकर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के ग्राम बीरपुर कला का है, जहां दलित समुदाय के लोगों ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ दबंग ठाकुरों द्वारा मारपीट की गई है। दलित समाज के लोगों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको गांव के ही दबंग ठाकुरों ने जाति सूचक शब्द कहे और लाठी डंडों से मारपीट कर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं आरोपों की माने तो घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसमें एक महिला सहित 9 लोगों को चोटें आई हैं। इस गांव के रहने वाले उदयवीर सिंह जाटव ने अपने घर के सामने अपनी नाली को साफ करते हुए दबंग ठाकुरों चंद्रशेखर से शिकायत की कि आपकी समर लगी है जिसमें बदबू आ रही है, इसलिए नाली को साफ करवा दें। इसी बात को लेकर गांव के ही 3 दर्जन से अधिक दबंग ठाकुर उसके साथ मारपीट करने लगे और जाति सूचक गालियां दी। इस दौरान जो लोग उनका बीच बचाव करने आए उन पर भी हमला कर दिया गया। इतना ही नहीं, दबंगों ने पड़ोस में रह रहे सुभाष चंद्र जाटव के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए महिलाओं के साथ भी जमकर मारपीट की। इस घटना में दलितों के 9 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। घटना की सूचना पाकर अलऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जागीर भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने 16 दबंग नामजदों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब इस संबंध में क्षेत्राधिकारी भोगांव से पूछताछ करनी चाहिए तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। नरेश है, कहाँ के रहने वाले हो? बीरपुर कला का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये विवाद हुआ, ये 9 लोग घायल हैं, क्या मामला पूरा है, कैसे क्या हुआ? मामला ठाकुर लोगों की समर लगी थी नहीं। तो बालू वालू उसमें से निकल रही थी नाली के रास्ते से, तो जो हमारा हमारे भाई का घर है तो उसके बिल्कुल नज़दीक है, तो हमारे भाई ने उनसे कहा कि ये जो आप समर चला रहे हो ये नाली रुन जाती है, इसे आप साफ कर दिया करो। बस साफ करने के कि तू ही करेगा ताली गाली गलौज, इतने में ही गाली गलौज करने लगे, जाति सूचक गाली दी। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने FIR दर्ज करने की बात की, थाने आने आए, फिर वो सारे पूरा गांव एकजुट होके हमारे पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया। घर में घुसकर भाभी बहनों को और गेट वेट तोड़ के पूरी तरीके से तांस नास कर दिया, जिसमें हम काफ़ी लोग घायल आए, कुछ लोगों के हमने नाम जो जान पाए। कितने लोग होंगे ऐसे? कम से कम मान के चलिए 35 से 40 लोग, मतलब पूरे ठाकुर समुदाय के लोग का पूरा गांव था इकट्ठा। तो क्या लगता है, सत्ता परिवर्तन का मामला है? सत्ता परिवर्तन का पूरा मामला है। ये पहले भी कहते थे कि अब तुम कुछ उखाड़ पाओगे नहीं, अब जो भी होगा हम देख लेंगे तुम्हें जान से। अभी भी वो धमकी दे रहे हैं। क्यों क्यों ऐसी धमकी क्यों दे रहे हैं? वो धमकी इसलिए दे रहे हैं, बड़ा सत्ता है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम लोग कम हैं, वो काफी लोग हैं। ग्राम बीरपुर कला में जो है ना, एक हरजनों के साथ में मारपीट की है कुछ श्रवणों ने, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये जनपद मैनपुरी के अंतर्गत थाना एलाऊ है, उसका एक गाँव है बीरपुर कला। इसमें कल दिनांक 28 अप्रैल को समय करीब 11 बजे दलित समाज के लोग उसमें जो बीरपुर कला में रहते हैं, कुछ पानी के निकास को लेकर के कहासुनी हुई। कहासुनी होने पर जो छत्री समाज के लोग हैं वो दबंग किस्म के लोग हैं, जिनके कुछ अहंकार को ठेस लगी और उन्होंने एकजुट होकर के उन पर हमला बोला। काफ़ी मात्रा में दलित समाज के लोग घायल हुए। इसकी सूचना जब हमको मिली है मैनपुरी में, मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, मैनपुरी में रामनेश वर्मा मेरा नाम है, जैसे ही सूचना मुझे प्राप्त हुई मैंने तुरंत SHO एलाऊ से बात की और पूरी घटनाक्रम को उन्हें बताया। क्या लगता है कि जो है ना BJP सरकार चल रही है इस समय जो है ना, क्या और दलितों पर क्या कोई ज़्यादा मतलब वारदातें नहीं हो रही हैं? ये तो जो है पूरा देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर दबे कुचले समाज के लोगों पर बहुत बड़े पैमाने पर जो दबंग किस्म के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व लोग हैं, वो उससे बहुत से ज़्यादा अपराध कर रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, ये सत्ता के नशे में चूर हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, ऐसे लोगों में कानून का भय नहीं है। और हम लोग शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि दबे कुचले समाज के लोग, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनको कानून के संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। और हम लोग ये मांग करते हैं
कि जिन लोगों ने इन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया है, जिन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया है, इनको घायल किया है, उनके खिलाफ सख्त सख्त कठोर कार्रवाई सरकार करे, जिससे कि अन्य किसी कमज़ोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार करने से पहले ये लोग सोचें और कानून के दायरे में रह करके ये लोग रहें और कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा हो, ऐसी हम लोग मांग करते हैं। सियाराम, कहाँ के रहने वाले हो? बीरपुर कलां से। अच्छा जी, कल आपके यहाँ जो विवाद हुआ था, किस मामले को लेकर हुआ था, क्या पूरी घटना है? ये सर, नाली की विवाद, नाली में कूड़ा करकट रुका था, सो हम लोग निकाल रहे थे, घोसड़ी की यहाँ क्यों निकाल निकाल के डाल रहे, वो उधर ले जाइए, तो हमने कम से कम जब निकाल दिए तो डाल दिए, इसी पर लड़ाई झगड़ा सूख जाने के बाद। हाँ, फिर बाद में वो लोग पूरी बस्ती एक बटा दो ही लोग, मतलब गांव के ठाकुर लोगों ने की आबादी है, ये सब आके हम 10-12 लोग आते, फिर मारपीट करने चलते गए सर। तो उसे छुटाने के लिए जब हम लोग जाते थे तब वहीं तो ऊपर से ईंटें और पत्थर ये बरसाते थे। अच्छा, ईंट पत्थर और लाठी भी मारी? लाठियाँ भी मारी सर। अच्छा, तो फिर जब नहीं छुटा पाओ फिर ये धन्य में घुसघुस के सर मारपीट इन्होंने की, महिलाओं के साथ भी बसलों की, महिलाओं के साथ भी बसलों की सर। अच्छा, हाँ। तो कितने लोग घायल हैं अभी? लगभग लगभग 8-9 लोग घायल हैं गंभीर। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले सब कम से कम 45-40 आदमी थे। तो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया आपने? 15-16 लोग कराया सर। और अज्ञात हैं? ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? ये जो छोटे आई हैं किस तरह से आई हैं, आपको क्या पूरा मामला है? वो तो नाली साफ कर रहे थे, इसलिए उन्होंने खींच लिया हमको। नाली साफ कर रहे थे? तो क्या सामूहिक नाली थी? नहीं, आरसीसी का नाली थी। नहीं तो पूरे पूरे मोहल्ले की होगी नाली? इसके बड़े बड़े सारे साफ करते हैं, तो साफ कर ली, तो हमने भी की साफ, उन्होंने ऐसे खींच लिया हमारी, वो आरसीसी डाल दिया 500 लोगों ने, ईंट भी मार दी डाल दी। कौन कौन लोग थे? कितने लोगों ने आपको मारा? 4-5 लोग थे। तो पूरा बवाल हो गया, तो पूरे मोहल्ले तो कितने लोग घायल हुए हैं? क्या गालियां दे रहे थे वो लोग? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.